खबर रोहतास जिले के सुरपुरा से है, जहां के थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह की पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। उन्होंने न केवल एक शराबी की शराब की लत छुड़ाई है, बल्कि उसके दो बच्चों की पढ़ाई का भी जिम्मा उठाया है। क्राइम कंट्रोल, दिन भर का दबाव और अन्य तरह के मानसिक तनाव के बीच यदि कोई वर्दीधारी शिक्षक की भूमिका में दिखे तो आश्चर्य होता ही है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो समाज में बदलाव की मुहिम चला रहे हैं। ऐसा ही कुछ किया है रोहतास के इस पुलिस अधिकारी ने। उन्होंने दो बच्चों की बर्बाद हो रही जिंदगी को संवारने के लिए न केवल उनके पिता की शराब की लत छुड़वाई, बल्कि दोनों बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया। पुलिस अधिकारी के इस प्रयास की सराहना हो रही है। थाना अध्यक्ष बड़े अधिकारियों की नाराजगी से कैमरे पर तो नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने मौखिक तौर पर बताया कि सुरपुरा गढ़ निवासी मंटू कुमार शराब की लत के आगे कभी अपनी गरीबी से उबरने का प्रयास नहीं किया, ना ही उसने अपने परिवार की परवरिश की चिंता की। दिन रात वह शराब के नशे में डूबा रहता था। फिर थानेदार ने उसे डांट फटकार लगाई, जिसके बाद उसे थाना पर ही रसोईया के रूप में रखने का विचार बनाया। उसे मेस के लिए इस वादे पर रखा कि आज के बाद वो कभी भी शराब नहीं पिएगा। थाना अध्यक्ष की पहल पर ना सिर्फ मंटू की शराब की लत छूटी, बल्कि उसके दोनों बच्चों को शिक्षा का बोझ भी थाना अध्यक्ष ने उठाया। पुलिस ने विद्यालय में बच्चों का दाखिला भी करा दिया है।